घर में जब हरी सब्जी खा के मन उब जाता है तो लोग मटर के छोले ही बनाते हैं, राजमा छोले यही सब खाते हैं। तो आज बनाएंगे मटर के बहुत ही टेस्टी सा छोला, वो भी झटपट, जिसे ना तो आपको उबालना पड़ेगा ना कोई बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत होगी, और खाने में टेस्ट तो ऐसा होगा कि आप प्लेट भी चट कर जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का रेसिपी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगेगी दोस्तों तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर ज़रूर प्रेस करिएगा। दोस्तों यहाँ मटर को हमने रात भर के लिए भिगो लिया था और ये बहुत अच्छे से फूल गया है। तो बहुत ही छोटी सी ये आज की वीडियो है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने ना आज बना रहे हैं कुकर में, तो हम यहाँ पे डाल देंगे तेल 2 चम्मच करीब। तेल थोड़ा सा आप इसे ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी बहुत ज़्यादा तेल नहीं खाना पसंद करता, इसलिए हमने कम ही तेल डाला है। साथ में डाल देंगे जीरा, एक हमने डाल दिया है सूखी लाल मिर्च, 2 टुकड़ी हमने डाल दिया है दालचीनी का, 4 हमने लौंग डाला है और 2 इलायची डाल दी है। खड़े मसाले का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है छोले में। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ का जो प्याज है उसको हमने बारीक कट कर लिया है। इसको हमें अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेना है। बहुत ही आसानी से ये छोला बनके तैयार होता है। हमने आज डायरेक्ट इसे हमें बनाना ही है, कोई उबालना नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमने प्याज है वो बहुत ही अच्छे से सुनहरा हो गया है, देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्याज को पका लेना है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर। हमने यहाँ 1 टमाटर लिया है, इसको भी हमने कट कर लिया है, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार की नमक, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से पक जाए। तो नमक आपको यहीं पे डालना है। टमाटर और प्याज जो है बहुत ही अच्छे से पक जाती है और बहुत ही टेस्टी जो है ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। दोस्तों आप सबको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने ना अदरक और लहसुन का जो है पेस्ट बना के तैयार किया था, उसको डाल देंगे। यहाँ पे लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा लिया है हमने, इसको 1 से 1.5 मिनट तक इसको भून लीजिएगा, नहीं तो फिर लहसुन का जो कच्चा वाला टेस्ट है ना वो आता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, स्मेल बहुत आएगा, तो थोड़ा सा ज़रूर भूनिएगा। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच हमने यहाँ डाला है मिर्ची का पाउडर। मिर्ची का पाउडर आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, तो मसाला जो है वो जलने लगेगी, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले जो है वो अच्छे से भुने और जले नहीं। तो हम यहाँ पे इसे लो फ्लेम करके अच्छे से इसे भून लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। कहते हैं ना कलर बहुत अच्छा होता है, तो खाने में वैसे ही अच्छा लगता है, कलर अच्छी लगती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने मसाले को अच्छे से भून के तैयार कर लिया है और ये हल्का हल्का सा लगने लगा है, देख सकते हैं नीचे से, बहुत ही अच्छे से हमने इसे भुना है। यहाँ पर हम डाल देते हैं मटर को, जिसको हमने रात भर के लिए भिगोया था। सारे मटर को डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हमें 1 मिनट के लिए बस भूनना है। बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, बस 1 मिनट के लिए मसाला में कोट होने तक हम इसे भून लेंगे। और ये देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। जब भी कुछ झटपट बनाने का मन हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो उबाल करके भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है, लेकिन इससे क्या होता ना कि जल्दीबाजी में बन जाती है। तो यहाँ हमने इसे अच्छे से भून लिया है 1 मिनट के लिए। अब हम डाल देते हैं पानी। तो हमने इसे उबाला नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसे हमें अच्छे से पकाना है अभी ही। तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं थोड़ा सा गरम मसाला, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे आपको मीडियम फ्लेम करके आप इसे 5 से 6 सीटी पकाएँ और अच्छे से इसे होने दें। हमने इसे कुकर को कर दिया है बंद, अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सीटी भी आ गई है, तो यहाँ पे आपको 5 से 6 सीटी लगाना है मीडियम फ्लेम पे। और ये अच्छे से पक चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब प्रेशर भी हो गया है ठंडा, तो चलिए देखते हैं हमारा छोला कैसा बना है। तो ये देखिए दोस्तों, आप सभी बहुत ही अच्छा बना है। इसकी ग्रेवी जो है वो भी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इतना सीटी लगने के बाद ग्रेवी भी कम हो गई है और छोला भी हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए।